बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर में छोटे छोटे नैनो रोबोट्स आने वाले हैं जो इतने छोटे होंगे कि आप डायरेक्टली अपनी आंख से इनको नहीं देख सकेंगे। इन नैनो रोबोट्स को आपकी बॉडी में भेजा जाएगा जो कि डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करेंगे और बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। रिचर्ड फिनमैन एक मशहूर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक मीटिंग में पहली बार एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जिसकी वजह से साइंटिस्ट एक अकेले एटम को कंट्रोल कर पाएंगे। इस मीटिंग के कई सालों के बाद नोरियो नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दिया और फिर 1981 में एक पावरफुल माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस हुआ जिसकी मदद से साइंटिस्ट एक अकेले एटम को देख सकते हैं और इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अकेले एटम या मॉलिक्यूल को देख सकते हैं और इसे अपने मुताबिक डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो आप अपने आसपास की चीज़ों को उठाइए, वो आपका स्मार्टफोन हो सकता है, एक ग्लास हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी टी शर्ट भी हो सकती है। अब आप सोचें कि इन चीज़ों से क्या अच्छे काम लिए जा सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन पर आप गेम खेल सकते हैं, ग्लास में आप पानी रख सकते हैं और इसे पी सकते हैं, जब आप टी शर्ट पहनते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। अब आप सोचिए कि इन चीज़ों में क्या खामियाँ हैं और ये कौन से काम ठीक से नहीं कर सकती। जैसे कि ग्लास को अगर आप गिराएं तो ये टूट जाएगा, स्मार्टफोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, ख़ास तौर पे जब हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, और टी शर्ट पहनने के कुछ दिनों के बाद गंदी हो जाती है और उससे बदबू भी आने लगती है। तो कोई भी चीज़ कोई भी काम कर रही है, चाहे अच्छा या बुरा, ये डिपेंड करता है उसके एक एटम के ऊपर। इस दुनिया में हर चीज़ एटम्स से मिलकर बनी है और कोई भी चीज़ कितनी मुद्दत तक चलेगी और कब टूट जाएगी ये इसके एक एटम पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने आसपास मौजूद चीज़ों में एटम्स को सही जगह पर लगाएं तो हम इनमें मौजूद खामियों को भी ठीक कर सकेंगे और वो चीज़ पहले से बेहतर हो सकेगी। जैसे कि हम एक ऐसा ग्लास बना सकेंगे जो कभी भी नहीं टूटेगा और हम एक ऐसा स्मार्टफोन बना सकेंगे जिसकी बैटरी महीनों तक चलेगी और हम एक ऐसी टी शर्ट भी बना सकेंगे जो ना तो कभी फटेगी, ना कभी गंदी होगी और ना ही उसमें से बदबू आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक एटम इतना छोटा होता है कि हम डायरेक्टली इसे अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो जिस चीज़ को हम अपनी आँख से देख ही नहीं सकते तो उसमें तब्दीली कैसे ला सकेंगे। लेकिन आज के दौर में ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुके हैं जिनकी मदद से ऐसा काम करना पॉसिबल है। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चीज़ों को उनके एटम्स के लेवल तक डिज़ाइन करने में कामयाब हो चुके हैं। इसी टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से नैनो टेक्नोलॉजिस्ट्स ऐसी चीज़ें बनाने में कामयाब हो चुके हैं जिनकी मदद से सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल सकते हैं और नैनो पार्शल कैरियर की मदद से एंटी कैंसर ड्रग को कैंसर ठीक करने के लिए बनाया जा सकता है और इसकी मदद से साइंटिस्ट पोल्यूटेड वाटर को साफ कर सकते हैं। आज ये सारे काम पॉसिबल हैं। अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी बहुत दिलचस्प लगी तो आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल खेती करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इंसान ऐसे काम अंजाम दे रहा है जिसे पहले हम ख्यालों में ही सोचते थे। ये टेक्नोलॉजी जितनी इंटरेस्टिंग है इतनी ही खतरनाक या फायदेमंद भी है, इसलिए हमें फ्यूचर में इसको केयरफुली यूज़ करना होगा।